पोर्तुगीज, पोर्तुगीज फर्स्ट यूरोपियन कंपनी पोर्तुगीज एंड फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर्स वाज बास्को डी गामा। बास्को डी गामा अराइव इंडिया 1498। फर्स्ट ये जानने का प्रयास करो कि ये कैसे आ गए भारत। उदिता याद है तुम्हें एक क्लास में मैंने समझाया था, क्लास में समझाया था मैंने कुछ, गलती से नहीं आए गए थे हम, गलती से तो वो आ गए थे। देखो यानी बास्को डी गामा पोर्तुगीज ट्रेवलर अराइव इंडिया, तो अराइव इंडिया जो आए थे, तो यहीं से हम लोग मॉडर्न इंडिया भी जनरली पढ़ते हैं। तो ये इंडिया आए कैसे आए इंडिया, इसके पीछे कुछ सरकमस्टांसेस तो थी, व्हाट वर द सरकमस्टांसेस? हाँ, व्हाई थिंक अबाउट द ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस विद इंडिया, केवल मसालों का व्यापार क्यों, और क्यों यूरोपियंस इस टाइम हमारे इंडिया में आए? देखो देखो बेटा, पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं, एंशिएंट इंडिया याद करो, आप लोग लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं ना, नेट जीआरएफ हमें बनना है। तो आप देखो इन एंशिएंट टाइम ओके, इन हमारा ट्रेड चल रहा था रोमन कंट्री के साथ, सिल्क रूट याद है, लाइक करो याद है, सिल्क रूट का था हमारा, वहां से रोम के साथ हमारा व्यापार था। तो यूरोपियन इंडिया रिलेशन तो हमारा बहुत पुराना है, इंडिया एंड यूरोप रिलेशन ओल्ड है, कुषाण टाइम में हमने देखा कितना फ्लोरिश था रोमन ट्रेड था ना, उस टाइम में हम लोग पढ़े थे। बट आफ्टर द मुस्लिम इन्वेड जब हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, और उसके बाद भारत रोम का ट्रेड कम हुआ, उसका कारण मुस्लिम इन्वेड नहीं था, एक्चुअल रीजन ये था कि क्या क्या रोमन वालों ने क्या किया, चाइना से वो टेक्निक को चुरा लिया, टेक्निक सीख लिया, जिसके कारण वह भारत पर अपनी निर्भरता खत्म हो गया, वहां से व्यापार करने लगा, और भारत रोम का ट्रेड डिक्लाइन भी हुआ था गुप्त आते आते, ये तो उस टाइम की बात है। बट इन द मॉडर्न टाइम बीच में ब्रेक हो गया व्यापार लंबे टाइम तक, बट इस टाइम हुआ क्यों? तो इस टाइम व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, क्या परिस्थितियां थी, वह वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं, यूरोप से, यूरोप क्या इंडिया के वेस्ट में है, वेस्ट से किधर आ रहे हैं, ईस्ट की ओर आ रहे हैं। अब देखो याद होगा कि रेनासेंस पुनर्जागरण, रेनासेंस बिगन फ्रॉम द इटली इन द 14th-15th century सी। इटली से क्या हुआ, हम चलो यूरोप चलते हैं पहले कुछ देर के लिए, इसको समझने के लिए यूरोप जाना होगा, तब उसके बाद यहां पहुंचोगे, उस तब आप इसके बाद यहां पर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या सिर्फ एंड 4th-5th centuries में हम देखते हैं यूरोप में इटली में रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण, जिसका मतलब होता है रेनेसेंस मतलब क्या हो रहा है, रिबर्थ, पुनर्जागरण, रिबर्थ। एंड रेनेसेंस वाज द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, वाज द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एक बौद्धिक आंदोलन था, एंड दे हैड द टू मेन ऑब्जेक्टिव, रेनेसेंस हैड टू मेन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट डिस्कवर द न्यू लैंड, सर्च द न्यू लैंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज यानी कि नए लैंड की खोज करना, नए कॉलोनीज यानी उपनिवेश बनाना, सेकेंड टू प्रमोट ए ह्यूमैनिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो इन द मिडिल एरा यूरोप, मध्यकाल यूरोप में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल बात है, यूरोप में मध्यकाल में यहां पर क्या था, इन द मिडिल एज यहां पर क्या था, फ्यूडल्स
यहां पर कौन थे? फ्यूडल्स, सामंत, सामंत थे, ओके। और सामंत जो आम जनता के हेल्प के लिए सोचते नहीं थे, वेलफेयर वर्क नहीं करते थे। एंड एक्चुअली फ्यूडल लॉर्ड्स, ऑल द फ्यूडल लॉर्ड्स, जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, गाइडेड बाय पोप, चर्च। इनको गाइड करने वाला कौन है? चर्च, पोप, पादरी, ठीक है। और ये फ्यूडल लॉर्ड जो थे, यानी सामंत लोग जो थे, वह अपने बेनिफिट के लिए काम करते, मिडिल एज में, मिडिल एज की बात है, मध्यकाल की बात। सामंत कभी भी आम आदमी के आम आदमी के भलाई के लिए कभी नहीं सोचा। इसीलिए 1857 का रिवोल्ट इंडिया का देख लो, व्हाई डिड नॉट पार्टिसिपेट द इंटेलेक्चुअल पीपल्स, एजुकेटेड पीपल्स, मिडिल क्लास पीपल्स, व्हाई डिड नॉट पार्टिसिपेट, क्यों नहीं किया? द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बात समझा रहा हूं। 1857 के विद्रोह में जो मध्यम क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास सोसाइटी, डिड नॉट पार्टिसिपेट, व्हाई, क्यों नहीं किया? ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, नेचर ऑफ द फ्यूडल कैरेक्टर्स, नेचर ऑफ फ्यूडल कैरेक्टर्स, उसका नेचर क्या था? फ्यूडल, सामंत, सामंत थे। अब देखो उससे भी पहले की बात करो, हम जब देखते हैं भारत में भी प्री मेडिवल टाइम, पूर्व मध्यकालीन भारत, कैरेक्टर क्या था इंडिया का? गवर्न कौन कर रहे थे उस टाइम इंडिया में, पूर्व मध्यकालीन भारत में गवर्न कौन कर रहा था? फ्यूडल लॉर्ड्स, जितने भी राजपूताना थे, नहीं बोलते राजपूत एज, फ्यूडल एज बोलते ना उसको, सामंतवादी युग या राजपूत युग हम लोग कहते हैं। क्यों? सभी का कैरेक्टर क्या था? फ्यूडल्स था, सामंतवादी उनकी प्रणाली थी, उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं होता था, वह भाड़े की सेना से काम करते थे, बोरोड लेते थे आर्मी को, जो कि राज्य के लिए ऑनेस्ट नहीं होता था, ईमानदार नहीं होता था। यदि कोई सेना राज्य के लिए ईमानदार नहीं है तो क्या हुआ? वो जीतेगा नहीं, हमेशा हारेगा, इसलिए तो व्यवस्था खराब हो गई थी उस टाइम। अब चलो हम यूरोप की बात करते हैं बेटा, यहां पर यूरोप में भी वह उसी टाइम, ये भी मध्यकाल की ही बात है, यहां पर भी उसी टाइप का कैरेक्टर काम हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि when in 1453 when टर्की जो था, टर्की इन्वेडेड इटली नहीं बल्कि इसको कहते हैं उसमें इन्वेडेड ग्रेट रोमन एम्पायर, पहले इसको छोड़ दो, ग्रेट रोमन एम्पायर में कौन था? बेंजेंटाइन एम्पायर, बेंजेंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण किया। ग्रेट रोमन एम्पायर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में बटा हुआ था, ग्रेट रोमन एम्पायर दो भाग में डिवाइड था, ठीक है। एक क्या था? इटली, और एक क्या था? कॉन्स्टेंटोपोल, इसको हिंदी में कहते हैं कस्तुतुनिया जो उस समय था, ये था एजुकेशनल हब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब, ये था यहां पर। यहां बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, राइटर्स, पोएट, एजुकेशनिस्ट पर्सन यहां पर रहते थे, समझ गए ना? ये क्या है? ईस्ट पार्ट है। ये क्या है? वेस्ट पार्ट है। एंड इन 1453 टर्की इन्वेडेड ऑन द कॉन्स्टेंटिनोपल, किस पर आक्रमण ये कर दिया? इस पार्ट पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। आक्रमण जब इस पार्ट पर इन्होंने किया, आक्रमण किया, तो यहां के ये लोग सब माइग्रेट हो गए। ये लोग माइग्रेट होकर के वापस कहां आ गए? यानी इटली, इस भाग में कहां पर भाग के आ गए? माइग्रेट फ्रॉम द कॉन्स्टेंटिनोपल एंड अराइव्ड, कहां पहुंच गए? रिच, यहां पहुंचे।
जिसके कारण क्या होता है, यहां से क्या हुआ, रेनेसेंस, रेनेसेंस की शुरुआत होती है, यानी कि पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ओके, यहां पर एजुकेशनल हब बना, साइंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत यहां से हुई। इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, और इसके पीछे बहुत सारे हो गया कारण भी है, जैसे कि जो साइंटिस्ट थे उनका योगदान है, पेंटर थे, चित्रकार थे, पोएट थे, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। और अब जब जब यहां से, इसलिए मैंने कहा यहां से जब रेनेसेंस यानी कि रिबर्थ, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, तो यहां से स्प्रेड हुआ अलग यूरोपियन कंट्री में, रेनेसेंस स्प्रेड अदर यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड एक्सेट्रा, डच, बहुत सारे देशों में क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। जब स्प्रेड हुआ बहुत सारे देशों में हुआ, तो अपने अपने लोग कॉलोनीज यानी अपने अपने उपनिवेश एस्टैब्लिश स्टार्ट कर दिया, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, सब कुछ का विकास हो रहा था, रूट की विकास हो रहा था, जानकारी मिल पा रही थी। तो क्या हुआ, तो अनेक उपनिवेश की स्थापना होने लगे, एस्टैब्लिशमेंट होने लगा। उसमें से दो काफी होशियार थे, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, दो बहुत बड़े होशियार लोग थे, ठीक है, क्योंकि यूरोप भी जो था, यूरोप में स्प्रेड होने की संभावना कम थी, कंपटीशन नहीं था, अदर जगह ये लोग खोजना स्टार्ट कर दिया, कोई और जगह मिले। तो ये हुआ कि स्पेन के कौन थे, कोलंबस, स्पेन का कौन था, कोलंबस, कोलंबस गलती से पहुंच गया कहां, अमेरिका, कोलंबस, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, रूट तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते तक वहां तक पहुंचा, उसके बाद उसका आगे की रास्ता मालूम नहीं था, वो उल्टा चला गया और कहा कि यही इंडिया है, और उसको नाम दिया रेड इंडियंस गलती से। फिर उसके बाद इन 14 पुर्तगाल के थे, इसी पुर्तगाल के कौन थे, बास्को डिगामा, आप देखो यहां पर इसी पुर्तगाल के कौन थे, बास्को, बास्को डिगामा, जो कि ये भी कहां पहुंचा है, कैप ऑफ गुड होप पहुंचा, कैप ऑफ गुड होप कहां पर है, कहां पर है, साउथ अफ्रीका, एकदम बिल्कुल नीचे पॉइंट पर है, हाँ साउथ अफ्रीका, जब यह पहुंचा था इसको भी इससे आगे का रास्ता नहीं मालूम था, रास्ता नहीं मालूम था। तो वहीं पर इंडियन मर्चेंट, ही मेट द इंडियन मर्चेंट अब्दुल मनिक, गुजराती मर्चेंट, उससे मुलाकात होती है, एंड गुजराती मर्चेंट अब्दुल मनिक गाइडेड हिम, उसको गाइड किया है, किसको, बास्को डिगामा को, और गाइड किया है, और उसी के गाइड से यह कहां पहुंच जाता है, कालीकट पहुंचता है, समझ गए। इस प्रकार से क्या हुआ, पोर्तुगीज का यानी यूरोपियंस का भारत में अराइवल होता है, अराइव, ठीक है, हाँ अभी, हाँ अब बताएंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से आगमन हुआ, आगमन कैसे हुआ, जब ये पहुंचा कहता है कि बेटा तुम तो गलत इंडिया खोज ले, इंडिया तो इधर है, नहीं वो तो निकला था इंडिया के लिए ही निकला था, बट वो जब कैप ऑफ गुड होप पहुंचा है उसके आगे उसको रास्ता नहीं मालूम, हम जाए कहां, तो वो उल्टा निकल गया, तो पहुंच गया अमेरिका, उसके साथ एक यात्री, उसके साथ उसके यात्री थे, उसका नाम तो व्यक्ति का नाम है अमेरिका, उसके नाम पर जिन्होंने मैपिंग तैयार किया है वहां पर, ठीक है, कंपास उस समय हो गया था, कंपास हो गया था, कंपास की जानकारी थी तब, तो सी रूट से लोग चले थे, कंपास, कंपास ठीक है, डायरेक्शन पाले ही थे, और सी में जाकर के कंपास कैसे काम करता है इस पर भी लोग पहले काम कर चुके थे यूरोप में, तब वहां से वो निकले थे, तब तो रास्ता उन्होंने जाना।
अब उनके साथ वो व्यक्ति था अमेरिका जिन्होंने मैपिंग वगैरह वहां तैयार किया, इसलिए नाम उसके नाम से है अमेरिका, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया रेड इंडियंस, रेड इंडियंस कहा। तो वो गलती से पहले तो खुश हुआ यही इंडिया है, वो खुश हो गया, अरे बुर्बक ये तो कहीं और तुम चला गए, इंडिया तो इधर है। तो इस प्रकार से यूरोपियंस का आगमन क्या होता है, भारत में होता है। और इस प्रकार से वास्को डी गामा यानी पोर्तुगीज पहले और वास्को डी गामा पहले ट्रेवलर जो इंडिया आए, ठीक है। तो इंडिया आने के पीछे क्या सर्कमस्टांसेस था, क्या परिस्थितियां थी, समझ में आया क्यों, क्या क्या मेन बात फिर से बता देता हूं। इटली में क्या हुआ था, पुनर्जागरण, ठीक है, ये तो हाँ लिखो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, समझने की बात है। देखो कोई चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका सर्कमस्टांसेस और बेसिक रूट पॉइंट हमें जानना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं पर अराइव होता है, पहुंचता है, तो उसके पीछे उसका कोई एम होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस होती है, कोई परिस्थितियां होती है, तब तो कोई आता है, तब तो हो जाएगा। तो उस परिस्थितियों को समझना हमारे अनिवार्य होता है। सब कुछ का एक रूट बना हुआ है, जड़ बना हुआ है, तब जड़ से ही सब कुछ निकलता है। बिल्कुल, यहां आने के पीछे भी कुछ परिस्थितियां हैं, एक मोटिव होता है, एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक विजन होता है, और एक सर्कमस्टांसेस होती है, नहीं होता है, तब तो हम कहीं पर जाते हैं। वही बात इसको, इस सर्कमस्टांसेस को हमने समझा कि इसके आगमन के पीछे क्या बैकग्राउंड थी, क्या पृष्ठभूमियां थी, राइट। तो क्या हुआ, 14वीं-15वीं सदी में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। उससे पहले क्या था, ग्रेट रोमन एम्पायर था, तो ग्रेट रोमन एम्पायर था यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य थी यहां पर। लेकिन क्या हुआ, 1453 में टर्की ने आक्रमण किया, कहां पर, कस्तुतुनिया पर आक्रमण किया, और कस्तुतुनिया के आक्रमण के कारण क्या होता है, ग्रेट रोमन एम्पायर बाइजेंटाइन साम्राज्य का डिक्लाइन भी हो जाता है, पतन भी हो जाता है, और ये लोग भाग करके किधर आ जाते हैं, इटली की तरफ आते हैं, और यहीं से शुरुआत होता है किसका, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है, रीबर्थ, यानी किसका मतलब क्या हो गया, यानी कि फिर से जागरण। तो फिर से जागे क्यों, क्या हम सो गए थे जो फिर से जागे, नहीं, क्यों, ड्यू टू फ्यूडल कैरेक्टर्स, वहां पर उससे पहले शासन किसके थे, सामंतों के शासन होते थे, और सामंत को गाइडलाइन करने वाला कौन होता था, चर्च होता था, यानी पादरी होते थे, पोप के द्वारा होता था, जिसमें मानवता बिल्कुल नहीं था, आम जनता के भलाई के लिए नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का विकास होता, वहां पर लोग ट्रेड करना शुरू कर दिए, व्यापार करना शुरू कर दिए, लोग खुद सिटी की ओर जाने लगे अपने सामान बेचने के लिए। हम सामंत के हाथों नहीं बेचेंगे, हम खुद जाकर के अपने सामान बेचेंगे। सामंत 10 रुपए दे रहा है, बाजार में हमें इसका वैल्यू मिल रहा है 40 रुपए, हम खुद इसी से क्या हुआ, लोग अवेयर होते हुए चले गए। सामंत तो सस्ते में ले रहा है माल हमारा, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामंत के हाथों बेचते हैं तो 10 रुपए मिलता है, और खुद हम सिटी की ओर जाते हैं, टाउन में जाते हैं उसको सेल करने के लिए, हमें उसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मिलता है 40 रुपए। तो इससे क्या हुआ, सिटी का विकास हुआ, लोगों के में अवेयरनेस आई, लोग पीपल्स क्या बन गए, अवेयर हो गए वहां की जनता कि नहीं ये तो गलत है, सामंत तो गलत कर रहा है, ये तो हमारे भलाई की बात करता नहीं, हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए क्या हुआ, सामंतों के विरुद्ध विद्रोह हो गया वहां पर। उसके बाद चर्च के विरुद्ध विद्रोह होता है वहां पर, धर्म के जिसको बोलते हैं धर्म सुधार आंदोलन हुआ वहां पर, तो उधर यूरोप की बातें हैं, ठीक है। और उस जो इसीलिए मैंने कहा हैज द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेनेसेंस, इसका दो मुख्य उद्देश्य था, एक नए कॉलोनीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज, सर्च डिस्कवर ए न्यू लैंड, दूसरा ह्यूमैनिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका विकास कर, मानवता का विकास, विज्ञान का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, समझ गया। और इसी में दो थे, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन के कोलंबस और पुर्तगाल के कौन थे, वास्को डी गामा, जो कहां पहुंच गया, भारत आया। अब वहीं से हम लोगों को पढ़ना है, परिस्थितियां समझ गए, याद रहेगा, याद रहेगा ना, हाँ।
आप बता रहे अब यहां आते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था आप लोगों को, अभी जस्ट बताया था, प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल इंक्रेज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट ऑफ इंडिया। उन्होंने ही लोगों को इंक्रेज किया, प्रिंस हेनरी ने सबको प्रोत्साहित किया, इंक्रेज किया यह काम करने के लिए। ओके, मिटा दो। अब देखो, गुजराती मर्चेंट वॉज द अब्दुल मनिक गाइडेड हिम। अब्दुल मनिक यही कुछ नाम है। ओके, अब देखो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी। नाउ गोइंग टू स्टार्ट, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। पहला कौन है, पोर्तुगीज, ठीक है। द फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रेवलर वाज, पहले समझ लो, बास्को डेगामा इन 1498 बाय द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंचा ये सीधे केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंचा कालीकट केरला, ठीक है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए रूट का नाम है। एंड कैप ऑफ गुड होप दिस रूट वाज डिस्कवर्ड बाय बार्थोलोमियो डियाज। इस रास्ते की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर द कैप ऑफ गुड होप रूट। इस रास्ते की खोज को किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किया था, जिस रास्ते होते हुए बास्को डिगामा कहां पहुंचे बेटा, ये रैब कालीकट, ठीक है। एंड कालीकट किंग जमोरिन वार्म वेलकम उनका क्या किया, शानदार यहां पर क्या किया, स्वागत किया। एक्चुअली मैंने बताया था कल की क्लास में, बताया हूं स्टडी ऑलरेडी आई डिस्कस मैं कर चुका था, बताया था ना कि उस समय एक्चुअल में कालीकट का जो एरिया है वो एक्चुअली किसके अंदर था, विजयनगर एम्पायर, याद है ना, अंडर द विजयनगर एम्पायर। और मैंने बताया था कि पोर्तुगीज ट्रेवलर के साथ कृष्णदेव राय का अच्छा रिलेशन भी था, याद है, क्यों था, घोड़े का इंपोर्ट चलता था वहां पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देते। अब देखो कालीकट किंग जमोरिन डिड ए वार्म वेलकम, शानदार स्वागत किया। ओके, स्वागत किया। अब देखो यहां पर, एंड बास्को डी गामा अराइव्ड इंडिया, दे हैड द मेन ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या था, भारत माने का क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार वाणिज्य। और ट्रेड भी किसका करना था, स्पाइसेस मसालों का व्यापार, स्पाइसेस में भी स्पेशली किसका करना है, ब्लैक पेपर, इनिशियली स्टार्टिंग में, समझो आगे। अब यहां पर एक बार ज्योग्राफिकल रूट देखो, ये क्या है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के नीचे भाग, ये डक्कन के पार से लेकर के नीचे भाग, याद है उदिता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मालाबार कोस्ट, क्या कहते हैं, ठीक है। और ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। अब यदि क्वेश्चन हो जाए कि पोर्तुगीज फर्स्ट टाइम अराइव्ड इंडिया इन व्हिच कोस्ट, आंसर क्या होगा हमारा, मालाबार तट, यानी पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत के किस तट पर आए, मालाबार तट पर आए, ठीक है। देखो हिस्ट्री को ज्योग्राफी से अटैच कर दिया, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज होते रहता है हमेशा, एक ही पैटर्न से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखें इस प्रकार से क्या हुआ, पोर्तुगीज का अराइवल क्या हुआ, इंडिया में हुआ।
अब देखो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा हैड द ओनली वन सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रेड इन स्पाइसेस विद द इंडिया। अब यहां पर देखो बेटा कि वास्को डी गामा, वास्को डी गामा स्टे इंडिया ओनली टू इयर्स, वास्को डी गामा स्टे इंडिया ओनली टू इयर्स एंड विद इन टू इयर्स ही गोट ए बेनिफिट 60 टाइम्स आउट ऑफ टोटल कैपिटल एंड इन 1500 ही रिटर्न। वास्को डी गामा भारत में मात्र 2 वर्ष ही रहा और इन 2 वर्षों में वास्को डी गामा अपने साथ जितने भी कैपिटल लाया था, जितना भी पूंजी लाया था, उसका 60 टाइम्स उसका 60 गुना मुनाफा कमाया, 60 गुना मुनाफा कमाया। और जाकर के यूरोप में बताया कि देखो भैया भारत में इतना बेनिफिट है स्पाइसेस में, इसे क्या हुआ देन अदर यूरोपियंस अट्रैक्ट विद द इंडिया, समझ गए, मेंजर ये थी कि जो भारत में स्पाइसेस के व्यापार से वहां काफी बेनिफिट है, इससे क्या हुआ अदर यूरोपियन कंपनी अट्रैक्ट हुए किसकी ओर, हमारी तरफ, चलो इंडिया चलते हैं मसालों का व्यापार करने के लिए, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है बेटा कि वाई वास्को डी गामा स्टे ओनली टू इयर्स, मां 2 वर्ष ही भारत में क्यों रुका, क्यों रुका, जर में जाना होगा, क्वेश्चन वहां से आएगी, ध्यान सुनो, जर में जाना होगा, ठीक है, काफी कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि नहीं, वाई वास्को डी गामा स्टे ओनली 2 इयर्स इन इंडिया, हालांकि इन 1502 नेक्स्ट टाइम आल्सो अराइव इंडिया, फिर से दोबारा भारत आया था लेकिन इंडिया में उसकी डेथ हो गई थी। अब क्वेश्चन होता है वास्को डी गामा 2 साल ही क्यों रुके भारत में, क्यों रुके, क्यों रुके उदिता, क्यों रुके जिटसॉन, योर हेयर स्टाइल इज वेरी अट्रैक्टिव, ओम जी कोई जानकारी नहीं है, थोलॉजिकली सोचो, थिंकिंग करो, क्योंकि एंशियंट मिडाइवल पढ़े हैं, दोबारा फिर आया 1502 में तो मर गए, ठीक है। क्यों आए थे, क्यों रुके बाद 2 साल, देखो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये क्या है अरेबियन सी, ओके, ये क्या है ट्रेड रूट है, ये क्या है ट्रेड रूट है, व्यापार करने का रास्ता है, यहां से पहले से याद है कि अरबियन ट्रेडर्स इस रूट से व्यापार करते हुए, इधर से व्यापार करते अरबियन सी से व्यापार करते हुए आगे ऊपर सिंध निकलते हुए, सिंध होते हुए जाते थे, सेंट्रल एशिया व्यापार होता था, नॉट ओनली अरबियन ट्रेडर्स बल्कि यहां से व्यापार करने वाले लोग थे गुजरात है एंड गुजराती ट्रेडर्स गुजरात के व्यापारी भी यहां व्यापार कर रहे थे एंड इजिप्शियंस, ठीक है, इजिप्शियन ट्रेडर इजिप्ट के व्यापारी भी यहां से व्यापार कर रहे थे, एक उन लोगों का हमारा पढ़े ना मिडिवल इंडिया में एंशियंट टाइम में जो व्यापारिक रूट था यहां, ये क्या है अरब सागर से होते हुए सिंध होते हुए व्यापार की जाती थी और फिर सेंट्रल एशिया पहुंच जाता था, ठीक है, मिडिल ईस्ट होते हुए सेंट्रल एशिया वगैरह व्यापार करते थे। अब ये एक्चुअल पुराने समय से व्यापार यहां पर ट्रेड कौन कर रहा है, व्यापार यहां पर कौन कर रहा है, अरे भैया अरब के व्यापारी, गुजरात के व्यापारी और इजिप्ट के व्यापारी यहां पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक नया व्यापारी यहां पर आ गया, कौन आ गया नया व्यापारी, वास्को डी गामा पोर्तुगीज,
ये कालीकट कहाँ है? अरेबियन सी में है ना, कालीकट कहाँ है? अरेबियन सी में है। तो यहां पर एक न्यू ट्रेडर्स अराइव्ड, न्यू ट्रेडर्स अराइव्ड, ठीक है। तो इसको लगा ना कि हमारे, हम यहां से व्यापार करते, एक नया व्यापारी कैसे आ गए यहां पर, ये तो हमारा रूट है। व्यान क्या होता है, व्हेन वास्को डी गामा अराइव द कालीकट, द कंफ्लिक्ट बिटवीन बिगन ए कंफ्लिक्ट बिटवीन द अरबियंस गुजराती एंड द इजिप्शियन ट्रेडर्स, जो झगड़ा होता है, कंफ्लिक्ट होता है किसके साथ? गुजराती इजिप्ट यहां के जो व्यापारी थे उनके साथ किसका कंफ्लिक्ट होता है? वास्को डी गामा। अब यहां पर हम व्यापार कर रहे हैं यहां पर, अरे और जगह नहीं मिला, यहां आ गया, थोड़ा मन में तो करवाहट होती है, आज भी होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, इनको झगड़ा करना पड़ा, ये कंफ्लिक्ट हुआ, इसी लड़ाई कारण यह मां दो साल ही रुक पाए, समझ गए। लेकिन झगड़ा होने के बावजूद भी, लड़ाई होने के बावजूद भी 60 टाइम्स बेनिफिट, 60 गुना मुनाफा कमाया, जितना अपने साथ पूंजी लाए थे, कैपिटल लाए थे, उसका कितना कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया, अमीर बन के गया। क्योंकि हाँ 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 ठीक है, समझ में आया, क्लियर यहां तक? एनीबडी एल्स? ओके, आप देखो ये तो वापस चले गए। उसके बाद लिखे सेकेंड पोर्तुगीज ट्रेवलर, सेकेंड पोर्तुगीज ट्रेवलर अलब्रेज केबराल, सेकेंड पोर्तुगीज ट्रेवलर अलब्रेज केबराल इन 1500 अराइव इंडिया विद, उसके साथ बार्थोलोमियो डियाज भी था, ठीक है। लेकिन इसी करामत है, सेकेंड पोर्तुगीज ट्रेवलर वाज अल्ब्रेज केबराल इन 1500 अराइव इंडिया, अराइव कालीकट, ये भी कहां पहुंचता है? कालीकट आया, इस झगड़ा को सुलझाने के लिए, कालीकट के शासकों के साथ, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, झगड़ा हो गया था ना, ठीक है। वास्को डी गामा आगे पैर पसाने हैं, हाँ आए थे। एंड इन 1502 अगेन वास्को डी गामा अराइव इंडिया, इन 1502 1502 में फिर से क्या हुआ, वास्को डी गामा कहाँ आए? इंडिया पहुंचते। तो ऐसे क्या होता है कि पोर्तुगीज का यानी यूरोपियंस का भारत में अराइवल होता है, भारत में इनका क्या होता है? आगमन होता है, क्लियर। अब इसी के बाद देखो, देन इन 1503, देन इन 1503 फर्स्ट पोर्तुगीज कंपनी फाउंडेड एट कोचीन। इस प्रकार क्या हुआ, 1503 में प्रथम पुर्तगाली कंपनी की भारत में स्थापना हुई, उसका नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया, जो कंपनी भारत में एस्टैब्लिश हुआ उसका नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया। नॉर्मली हम लोग कहते हैं पोर्तुगीज कंपनी, बोलते हैं एस्टाडो द इंडिया, यानी इस प्रकार से फर्स्ट पोर्तुगीज कंपनी सेटअप हेयर इंडिया में, क्या हुआ? सेटअप हुआ इंडिया में, इसका स्थापना हुआ, ठीक है। एस्टाडो द इंडिया हो गया, मिटाओ, मिटा दूं, क्लियर, अब मिटाऊंगा। कोचीन में ही पहली पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, जिसको आज कोची बोलते हैं। कहां पर यह? केरला। कहां पर है? केरला। हाँ 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 डन।
डन मिटा दिया आप सुने ना मिटा दूं अरे यार क्या पकड़ा दिया झूठ मूठ का अब देखो इस बार केवल फर्स्ट कंपनी फर्स्ट पोर्तुगीज कंपनी एस्टैब्लिश्ड कहां पर हुआ कोचीन एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी इन फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी कौन था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कंपनी के फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोर्तुगीज कंपनी इस कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन बने फ्रांसिस्को डे अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बीकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ दिस कंपनी इस कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने ठीक है। अब देखो जैसे मैंने क्या कहा फिर से रूट ये यहीं पर आए थे और क्या है यहां से अरबियन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हुआ व्हेन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अराइव्ड इंडिया अगेन बिगन ए कंफ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन एंड अरबियन ट्रेडर्स फिर से कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया एंड यहां पर कौन है मैंने क्या अरेबियन ट्रेडर्स ठीक है इजिप्शियन ट्रेडर्स एंड द गुजराती व्यापारी सभी ने क्या किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का अपोज किया विरोध करना स्टार्ट किया एंड द अरेबियन इजिप्शियन गुजराती ट्रेडर्स मेड ए अलायंस अगेंस्ट पोर्तुगीज इन तीनों ने मिलकर के गठबंधन तैयार किया किसके विरुद्ध तैयार किया पोर्तुगीज यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के विरुद्ध तैयार किया क्योंकि एक नए ये लोग नए थे इनका मानना था कि हमारा पुराना रूट है ना ये नए आदमी कहां से आ गया नहीं करने देंगे व्यापार तो उसको जैसे हो जाता है ना हमारा कोई यहां पर कारोबार है कोई नया आ गया है? तो है। क्या अरे मतलब हमारे सामने तो घर के सामने आ जाते ना जैसे रे ठाला नाम की बैंड वो भी जाती है आरटी की छोटी वाली बस है उस पे उस बंद उसके दोस्त ने आरटी में चलाना शुरू कर दिया तो उसको मार दिया उन्होंने जान से तो तुम क्यों चलाया क्यों चलाई हाँ। हो गया ना झगड़ा यही होता ही है वो भी टुकड़े टुकड़े कर दिए ठीक है जैसे क्योंकि कंपिटिटर हो गया ना जो अधिक सुविधा देगा उसके यहाँ उसको अधिक व्यापार करेगा जैसे हमारा कोचिंग है तो हम बोलते हैं ना इधर भी है वो तो इतना ही लेता है वो इतना कर रहा है वो ये कर रहा है हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं क्यों बोलते हैं यही है तो इसे का ऐसे समझो मतलब जनरली वे में हम लोग समझते हैं तो क्या हुआ अरेबियंस इजिप्शियंस गुजराती ट्रेडर्स मेड अलायंस अगेंस्ट द यूरोपियंस पोर्तुगीज एंड चैलेंज्ड हिम और ये जो है अरेबियंस अरेबियन ट्रेडर्स गुजराती ट्रेडर्स एंड द इजिप्शियन ठीक है इजिप्शियन ट्रेडर्स इजिप्ट वाले ये तीनों ने मिलकर अलायंस तैयार किया किसके अगेंस्ट में यूरोपियन मीन्स ईस्टर्न में यूरोपियन का मतलब क्या है पोर्तुगीज यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के अगेंस्ट में इन्होंने क्या तैयार किया है अलायंस तैयार किया और इनको चैलेंज दिया
और जिससे क्या होता है, एक युद्ध होता है, इसका नाम है बैटल ऑफ चौल। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चौल इन 1508। क्या होता है? बैटल ऑफ चौल, चौल का युद्ध। एंड बैटल ऑफ चौल बिटवीन, दिस बैटल बिटवीन, यह बैटल किसके किसके बीच है? पोर्तुगीज, पोर्तुगीज मींस मैंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, समझ लो ना, एंड एंड द थ्री पावर्स, अरेबियंस, अरेबियन, गुजराती, गुजराती एंड द इजिप्ट। ठीक है, मैंने कहा था नहीं बंद हो जाएगा। ओके डन। देखिए अरबियन, गुजराती एंड इजिप्ट के बीच एक साथ थे, तीनों ने मिलकर अलायंस तैयार किया। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? पोर्तुगीज के अगेंस्ट में। एंड एंड ये क्या ठीक है, क्या हुआ? लॉस्ट पावर। इस सब की क्या होती है? हार हो जाती है, हार हो जाती है। जी अलायंस पावर है ना, अब इससे अभी इंडिया अलायंस है, एनडीए है, दोनों इंडिया अलायंस बना रहे, इलेक्शन होने वाला है, ये इंडिया अलायंस है, तो हारेगा तो सभी हारेंगे, इंडिया अलायंस की हार हो गई। वही उसी प्रकार से यह था, तीनों अलायंस था, तो अलायंस पावर क्या हो गया? लॉस्ट, लॉस्ट पावर, इनकी हार हो गई। एंड देन आफ्टर युद्ध के बाद क्या होता है कि पोर्तुगीज, यानी कि पोर्तुगीज डिफीटेड द अरबियन ट्रेडर्स, इजिप्शियन ट्रेडर्स, गुजराती ट्रेडर्स, ओके। एंड लेकिन इसकी जो ये पॉलिसी थी, अब ये कैसे क्यों जीता? पोर्तुगीज नेवल पावर सबसे स्ट्रांग था, बिफोर ब्रिटिशर से पहले यूरोप में सबसे अधिक नेवल पावर स्ट्रांग किसके पास था? पोर्तुगीज का था, उसी बल पर तो इन्होंने डिफीट किया है। एंड एक पॉइंट लिख लेना, तो दिस हिज पॉलिसी वॉज इंक्रीज द पोर्तुगीज नेवल and this policy of the controlling the settlement by the naval forces known as the blue water policy। ठीक है, क्या बोलते इसको? blue water policy, इसको हिंदी में कहते हैं नीले पानी की नीति। ठीक है, this policy of controlling the settlement by naval forces was known as the blue water policy। ठीक है, लिखो
पुर्तगालियों ने, या पुर्तगालियों ने जिस नीति के अंतर्गत अपने नौसेना शक्ति का विस्तार किया और नियंत्रण किया, उसे ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति कहा जाता है। समझिए, अब क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन राइज हियर कि यहाँ पर नीले ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों कहा गया, इसका नाम ब्लू वाटर क्यों रखा, ये पॉलिसी का नाम नीले पानी की नीति क्यों कहा। यानी पुर्तगाली ने जिस नीति के अंतर्गत अपने नौसैनिक शक्ति का नियंत्रण और विस्तार किया, उसे नीले पानी की नीति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अरे भैया, हद करते हो आप लोग, समुद्र का पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीले पानी की नीति। यानी कि देखो लॉजिक क्या है, टू कंट्रोल द ब्लू सी रूट, कोस्टल रूट। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य क्या है, सी रूट पर कैप्चर करना, कोस्टल रूट पर कैप्चर। आगे बोल, देखो देखो उद्देश्य क्या था, कोस्टल एरिया पर ना, कोस्टल एरिया पर इस रूट पर कैप्चर कर लो। दूसरे को नहीं, यार बेनिफिट कहाँ है, कोस्टल से बेनिफिट है। इंडिया इंटरनल पार्ट में तो ये लोग बहुत बाद में जाएंगे, पाले पाले रूट कैप्चर करें हैं, कोस्टल एरिया को कैप्चर किया है, यहां से अधिक बेनिफिट है, ट्रेडर्स है ना, ठीक है। एंड दे उसके बाद लिखो, एंड ही कैप्चर्ड दियो, किस पर अधिकार किया, कैप्चर दियो, एंड मेड ए पावरफुल इन द इंडियन ओशियन, कैप्चर दियो एंड एंड मेड ए पावरफुल इन द इन द, कोई बताओ, दमन द्वीप, दमन एंड द्वीप, लोकेशन लोकेशन बताए, एनी बडी एल्स, दमन द्वीप का लोकेशन है साउथ में ही, केरला के या इसके, ये नहीं पता कौन से तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ, कहां पर है इंडिया में, कहां पर है द्वीप, कोई बताओ भैया, तो नहीं हम क्यों बताओ, ये छोटी छोटी बात, आप ये बता दो ईस्ट में है या वेस्ट में है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कहाँ पर। दमन द्वीप का नाम सुने हो, दमन कहाँ है, द्वीप कहाँ है, हमारे पास मैप नहीं है, यही दिक्कत हो जाता है। ये नहीं है ना, लक्षद्वीप अलग जगह पर है, कहाँ पर है, कहाँ है, एक यूटी है इसको, द्वीप एक कोस्टल एरिया तो जानते हैं ना, ठीक है, हाँ बात के ईस्टर्न साइड है या वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, कैसे, केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, एट द ईस्टर्न एंड एंड द आइलैंड्स, ईस्ट के तरफ है, ईस्ट के तरफ है, और एक जगह नहीं है, दमन का पार्ट अलग अलग पार्ट में है। अगले क्लास से मैं यहाँ पर मैप रखवाऊंगा, Thank you.
ठीक है, देखो क्या, हाँ गुजरात देख रहे हो, ठीक है गुजरात देख रहे हो, गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन में कौन आ जाता है, जीव आ जाता है। स्टन साइड में नहीं है तो मैं तो जांचने के लिए कहा था, बहुत पास में है गुजरात के, बहुत पास में है जूनागढ़ के, बहुत पास में है दियो, और क्या तो हाँ क्या लिखूं, अच्छा दियो, दियो पर अधिकार किया, दियो पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ, वो पूरे हाँ पुर्तगालियों ने उसके क्या हुआ अरबियन सी, बार बोला अरबियन सी में दियो है ना, रजिस्टर कर तो आप कैसे जाओगे, ठीक है आप लोग क्रॉस भी नहीं करते हो, इसके तरफ कैसे जाएंगे, ईस्टर्न में कैसे होगा, जब हम मैंने कहा कि द्वीप पर कब्जा करने के बाद वह अरबियन सी पर यानी इन इस रूट के वह बहुत बड़े पावरफुल बने, तो इस प्रकार से क्या होता है, समझ गए, उसके बाद ये क्या है इस रूट का पर यानी कि इसी रूट में पावरफुल बने, एक शक्तिशाली बने। अब देखो इसके बाद तो दूसरे पोर्तुगीज ट्रेवलर हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकेंड पोर्तुगीज डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस कंपनी वाज कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मिटा दें इसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कल भी मैंने बताया था अल्फांसो डे ठीक है, अल्फांसो डी का भाई ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज कंपनी इन इंडिया, पोर्तुगीज कंपनी इंडिया, बाद में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक यही था, भारत में पुर्तगाली कंपनी का यू आर द रियल फाउंडर, ठीक है भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक ये था, क्यों कहते हैं वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, यू आर द ग्रेट डिप्लोमेट, ग्रेट कंक्वेरर, बहुत ग्रेट वॉरियर, यू आर डिप्लोमेट वॉरियर कंक्वेरर, महान योद्धा था, महान राजनीतिज्ञ था, डिप्लोमेट था, और इन्होंने क्या इस कंपनी को एक्सपेंशन दिया है, कंपनी का विस्तार किया, ही डिड एक्सपेंशन देयर पोर्तुगीज कंपनी, ये अपने पुर्तगाली कंपनी का क्या किया, विस्तार किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यू आर द रियल फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर। पहला पॉइंट लिखो एक एक करके, मैंने इन 1510 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन 1510 He captured Goa from the Sultan of Bijapur. Okay. उसके बाद in 1511 देखो इन 1511 he captured Ceylon and Malacca पर इन्होंने अधिकार किया, कंपनी का विस्तार भी किया। ओके इन 1515 अल्बुकर्क का अगला स्टेप किया, इन 1515 ठीक है, he captured Persian Gulf and port of Hormuz, Persian Gulf and port of Hormuz,
ठीक है, इन सब पर इन्होंने अधिकार किया है, पर्शियन गल्फ एंड पोर्ट ऑफ हॉर्मुज पर इन्हें अधिकार किया, अपनी कंपनी का विस्तार किया, ही डिड एक्सपेंशन देयर कंपनीज, इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना उद्देश्य भी नहीं था, समझ गया। अब होता है क्या, मैंने क्या कहा था, कल भी बताया था कि पोर्तुगीज यानी स्पेशली अल्फांसो डी अल्बुकर्क मेंटेन ए गुड रिलेशंस विद द विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय, याद है ना, हम लोग पढ़े थे कि विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे कृष्णदेवराय के साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था, और कृष्णदेवराय ने पोर्तुगीज को यानी इसके इसे वहां पर भटकल में फोर्ट बनाने का अनुमति भी दिया था, कल मैं लिखवाया हूं क्लास में आप लोगों को क्यों, और पोर्तुगीज के साथ इन्होंने क्या किया, घोड़े इंपोर्ट करते थे, कौन, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य करता था, तो ये मेंटेन ए बेटर रिलेशन, गुड रिलेशन विद द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था। अभी जैसे मैंने कहा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वॉरियर, डिप्लोमेट, कंक्वेरर, सारी क्षमता इसमें थी, और इन्होंने यहां पर एक पॉलिसी लॉन्च किया जिसके कारण क्या होता है, इसके हिंदू मुस्लिम जो थे एनिमी बनना, दुश्मन बनना स्टार्ट हुए। देखो मैंने बताया इन इनिशियल टाइम, इनिशियल पोजीशन, पोर्तुगीज हैड सिंगल वन ऑब्जेक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स विथ इंडिया, इसका जब स्टार्टिंग में था इसके साथ इसका भारत में उद्देश्य क्या था, ट्रेड व्यापार करना, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क व्हेन अराइव्ड इंडिया एंड ही प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, इसलिए क्वेश्चन भी होता है कि पोर्तुगीज का भारत में दो उद्देश्य था, पोर्तुगीज हैड टू एम इन इंडिया, भारत में इसका दो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य क्या था, ट्रेड व्यापार करना, दूसरा उद्देश्य क्या बन गया, अब प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार करना, जिसके कारण क्या होता है कि इसके बहुत सारे लोग एनिमी बनने लगे, हो गया द मुस्लिम बिकेम एनिमी ऑफ द पोर्तुगीज बिकॉज देयर रिलीजियस पॉलिसी, इसके मुस्लिम लोग भी इसके दुश्मन बन गए, अल्बुकर्क के धार्मिक नीतियों के कारण लोग इसके दुश्मन बन गए, अब नीति इसके नीतियां क्या थी मैं समझा देता हूं कि ही इनकरेज द मैरिज बिटवीन द पोर्तुगीज एंड द इंडियन वुमेन्स, इसकी पॉलिसी क्या थी, ही इनकरेज मैरिज बिटवीन द पोर्तुगीज एंड द इंडियन वुमेन्स, भारतीय महिलाओं को पुर्तगाली लोगों से विवाह करने को प्रोत्साहित किया, क्यों, क्या क्या, क्यों, इसका उद्देश्य क्या था, भारत में ईसाइयत का प्रचार, भारत में ईसाई धर्म का विकास विस्तार, हाँ इसीलिए इन्होंने ये काम किया है, ये काम किया, ठीक है, और यही पॉलिसी जो था पोर्तुगीज के लिए बहुत बड़ा खतरा भी उत्पन्न कर दिया, और इतना ही नहीं, इतना नहीं, जब जब मैरिज के लिए इनक्रेज किया यहां पर पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ, इंडियन वुमेन्स के साथ, तो इसके लिए अल्बुकर्क ने बहुत सारे पुरस्कारों की अवार्ड की घोषणा कर दिया, बताओ हाँ आगे देंगे ना, अभी बताऊंगा ना आगे, ठीक है, अब देखो अल्बुकर्क, अल्बुकर्क का एम क्या था इंडिया में, वो मैं लिखा देता हूं, अब देखो हेडिंग डालो, अल्बुकर्क एम इन इंडिया, बाद में अल्बुकर्क की एम, अल्बुकर्क का बाद में एम क्या था, ठीक है, एम इंडिया, इसका भारत में एम क्या था, टू कंट्रोल रेड सी पर्शियन गल्फ, टू कंट्रोल रेड सी
पर्शियन गल्फ, समझ गए ना, पर्शियन गल्फ कहां पर है, वेस्टर्न एशिया, पर्शियन गल्फ कहां पर है, वेस्टर्न एशिया। सेकेंड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पोर्तुगीज हेडक्वार्टर ऑन द वेस्ट कोस्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पोर्तुगीज हेडक्वार्टर ऑन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है, यानी पश्चिमी तटों पर पुर्तगालियों के मुख्यालय स्थापित करना। एंड थर्ड, तीसरा पॉइंट यहां लिख लो, हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट करके लिख लो, कि डिस्ट्रॉय द अरब मर्चेंट इन द फार ईस्ट एंड मलाया, लिख लो, डिस्ट्रॉय द अरब मर्चेंटाइज इन द फार ईस्ट एंड द मलाया, देखो मलाया के क्षेत्रों से अरब के व्यापारियों को समाप्त कर देना, वहां के उसके व्यापारी को समाप्त कर देना, हाँ लिख लो ना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य में लिख लो, मलाया के क्षेत्रों से अरब व्यापारियों का प्रभुत्व को समाप्त करना, मलाया क्षेत्र से पुर्तगालियों के प्रभुत्व को समाप्त करना, इसके बाद आए थे नेक्स्ट पोर्तुगीज डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी वाज नूनो डे कुन्हा, क्या हुआ, मतलब मलाया के क्षेत्रों से पश्चिमी तटों पर पुर्तगालियों के मुख्यालय स्थापित करना, ठीक है। और एक पाला क्या था, रेड सी पर्शियन गल्फ पर नियंत्रण, हो गया। अब उसके बाद कौन है, नूना डे कुन्हा, नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी, ही एस्टैब्लिश पोर्तुगीज फैक्ट्री एट सेंथोमे, कहां पर हो गया, मद्रास, सेंथोमे एंड हुगली बेटा बंगाल, तो सेंथोमे कहां हो गया, मद्रास, ठीक है, और बंगाल हुगली कहां है, बंगाल, एक देखो एकदम बिल्कुल, एक देखो किल्को ऊपर, ये क्या है, बिल्कुल एक यहां पर सेंथोमे यहां है और हुगली यहां है, यहां पर क्या किया, अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया, कौन, नूनो डे कुन्हा, ओके। एंड गोवा मेड ए न्यू हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगीज कंपनी, और गोवा के उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज कंपनी का नया हेडक्वार्टर बनाया, गोवा मेड ए न्यू हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज कंपनी, पुर्तगाली कंपनी का नया हेडक्वार्टर कहां बन गया, अब गोवा में बन गया। देखो इसके बाद देखो छोटे छोटे बहुत सारे गवर्नर आए, जयवो डे कोटा ये सब आए, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना है। देखो इसमें एक बात जान ले, द पोर्तुगीज मोनोपोली ऑन द इंडियन ओशियन कंटिन्यूड टिल द 1595, द पोर्तुगीज मोनोपोली ऑफ द इंडियन ओशियन कंटिन्यूड टिल 1595, बट श्रीलंका वेर द फर्स्ट
टू रिवोल्ट अगेंस्ट पोर्तुगीज। एक मिनट। एंड द पोर्तुगीज स्टार्टेड कार्टेज सिस्टम, एक नया सिस्टम उन्होंने क्या था, कार्टेज सिस्टम को इन्होंने लागू किया था। स्टार्टेड कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम इसमें क्या था, कार्टेज सिस्टम लिख लीजिए, इसके बारे में बाद में हिंदी लिखा दूंगा। बाय हुच इंडियन शिप सेलिंग पोर्तुगीज स्टार्टेड द कार्टेज सिस्टम एंड बाय हुच इंडियन शिप सेलिंग टू ए डेस्टिनेशन, टू ए डेस्टिनेशन हैड टू बाय पासेज फ्रॉम पुर्तगाल अथॉरिटीज, फ्रॉम द पुर्तगाल अथॉरिटीज। बाय हुच इंडियन शिप सेलिंग टू द डेस्टिनेशन हैड टू बाय पासेज फ्रॉम पुर्तगाल अथॉरिटीज, एक प्रकार का ये लाइसेंस था। हिंदी में लिख लो आप लोग, देखिए पुर्तगालियों ने, हाँ वही लिखा लो, वही लिखा रहा हूं पुर्तगालियों ने, उससे भी पहले का लिखा लू, पुर्तगालियों ने इंडियन ओशियन को क्या बोलते हैं, लेकिन पुर्तगालियों ने 1595 ईस्वी तक, 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर पर अपना एकाधिकार जमा करके रखा, अपना मोनोपोली एकाधिकार जमा करके रखा था। नेक्स्ट पॉइंट को, श्रीलंका सबसे पहले पुर्तगाल के अगेंस्ट में विद्रोह किया, सबसे पहले श्रीलंका पुर्तगाल के विरुद्ध विद्रोह किया था। ओके, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगालों ने कार्टेज सिस्टम चलाया, इसके में क्या होता था, कार्टेज सिस्टम क्या था, एक प्रकार का लाइसेंस था, मोटा मोटी समझिए एक प्रकार का लाइसेंस ये था, जिसमें ये नियम ये था कि यदि कोई उसके रास्ते से कोई भी भारतीय सेलर्स, भारतीय नाविक, कोई भी भारतीय नाविक इसके रास्ते होते हुए व्यापार करते जाते हैं तो उन्हें पुर्तगाली अथॉरिटी से, पुर्तगाली अधिकारियों से अनुमति लेना होगा और उन्हें टैक्स जमा करना पड़ेगा। यहां तक कि पुर्तगालियों ने मुगल से भी मांग लिया था, तब तो मुगल के साथ इसका झगड़ा भी हुआ है। कार्टेज क्या, कार्टेज देखिए, कार्टेज एक प्रकार का लाइसेंस था, कार्टेज एक प्रकार का लाइसेंस था, जिसके अनुसार क्या था, एक प्रकार का लाइसेंस था, कार्टेज सिस्टम क्या था, एक प्रकार का लाइसेंस था, क्लियर, जिसमें ताकि यदि कोई भारतीय व्यापारी, भारतीय नाविक, सेलर मतलब नाविक, यदि कोई भारतीय नाविक उनके रास्ते से गुजरते हैं, व्यापार करते हैं तो उन्हें पुर्तगाली अधिकारियों से अनुमति लेना होगा, टैक्स जमा करना होगा, उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेज, क्लियर, कार्टेज समझ में आ गया। देखिए पुर्तगालियों ने, देखो क्या हुआ, भारत से इसका डिक्लाइन हो गया, पुर्तगालियों का भारत से डिक्लाइन हुआ, तो भारत से डिक्लाइन क्यों हुआ, क्वेश्चन राइज हेयर, तो पुर्तगालियों का लगभग 150 years, अबाउट 150 years ट्रेड विद इंडिया, भारत के साथ लगभग एक लंबे समय तक व्यापार किया, लेकिन भारत से इसका डिक्लाइन हो गया, तो व्हाट वेयर द मेन रीजन, इसका डिक्लाइन होने का कारण क्या था, केवल अंग्रेजी नहीं, अदर यूरोपियन कंपनी ऑल्सो अराइव्ड इंडिया एंड चैलेंज्ड हिम, केवल यही थे, लेकिन बाद में क्या है, डच, इंग्लिश, ये सभी तो भारत आए, अदर यूरोप,
जब अदर यूरोपियन कंपनी भारत आते हैं तो उन भारतीय कंपनियों अदर यूरोपियन कंपनी के साथ इनका क्या हुआ झगड़ा भी सुनो वहां पर कंपटीशन हुआ, कंपिटेंट हो गया ना दोस्त एक दूसरे के। एक बात ये, जिससे क्या हुआ ये कंपनी धीरे धीरे लॉस में चली गई, लॉस में चला गया, नुकसान हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कंटिन्यू गॉन डिफिसिट, लगातार घाटे में चली गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ ये कंपनी भारत में कमजोर पड़ने लगा। उसी टाइम क्या होता है कि ब्राजील जैसे नए क्लोनीज डिस्कवर, द न्यू क्लोनीज ब्राजील डिस्कवर्ड, न्यू क्लोनीज ऑफ ब्राजील, ब्राजील जैसे नए देशों की उपनिवेश की खोज होती है, समझ गया। तो ये जो पुर्तगीज थे ये माइग्रेट फ्रॉम इंडिया एंड रिस्ट एंड ही वेंट ब्राजील, और भारत से माइग्रेट किए और धीरे धीरे ब्राजील की ओर चले गए। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा है कि पुर्तगीज भारत से किधर शिफ्ट किए थे, किधर शिफ्ट किए थे, ब्राजील की ओर किए थे, क्योंकि ब्राजील का उस समय नया खोज ही हुआ था। ठीक है, एक नया उपनिवेश बना था तो वहां पर कोई चैलेंज नहीं था, कोई चुनौतियां नहीं था, सारा मैदान अपना, समझ रहे हो ना, हमारा मोनोपोली है कहीं डे। तो इसीलिए क्या हुआ कि अब भारत से क्या हुआ धीरे धीरे ब्राजील की ओर शिफ्ट करते हुए चले गए। लेकिन पुर्तगालियों ने भारत को कुछ गिफ्ट किया, क्या दिया भारत को, पोर्तुगीज गिफ्ट्स टू इंडिया, पोर्तुगीज गिफ्ट्स टू इंडिया भारत को क्या दिया, सबसे बड़ी बात फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। इन 1556 फर्स्ट टाइम गोवा प्रिंटिंग, क्वेश्चन आता है कि प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहां हुई थी, गोवा में, कब हुआ था, 1556 में, और ठीक है 1556 लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। ठीक है, कब हुआ था, इन उसी टाइम, इन द 1556 में, उसी टाइम उसी ईयर इन नॉर्थ इंडिया अकबर बिकेम ए मुगल एम्पायर, देखो, बट डिड नॉट एक्सेप्ट ए न्यू टेक्नोलॉजी। उसी समय यहां पर क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस इन नॉर्थ इंडिया या दिल्ली आगरा, यहां पर कौन बना, अकबर बिकेम ए मुगल एम्पायर अंडर द गार्जियनशिप बैरम खां, है कि नहीं। जिस समय भारत में गोवा में न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसी टाइम नॉर्थ में मुगल एम्पायर कौन बनते हैं, अकबर बनते हैं। अकबर के शासन काल में ही क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने खोल दिया, कहां पर, गोवा में। तो प्रिंटिंग प्रेस समझते हो ना, पेपर छापने की मशीन। दूसरा दिन क्या है, रेड चिली, पुर्तगालियों ने भारत में क्या लाया, रेड चिली, हाँ लाल मिर्च जिसको कहते हैं, रेड चिली लाल मिर्च, लाल मिर्च के बीज लाए थे भारत में कौन, पुर्तगीज, रेड चिली इसी का देन है भारत में। लाल मिर्च खाती हो ना, देखो अजीब निकलता है लाल मिर्च के नाम से, वो किस में डाल के खाती है जानते हो, मोमोज में, नहीं है क्यों, ठीक है वीडियो के सर आपने ऐसे किया, कोई बात हो गया। और सेकेंड पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, द कल्टीवेशन ऑफ टोबेको एंड पेटेटो, टोबेको पेटेटो एंड ओपियम एंड कन्वर्टेड एज ए कैश क्रॉप, एंड कन्वर्टेड एज ए कैश क्रॉप यानी कॉमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टोबेको,
पोटेटो, ओपियम एक्सेट्रा, इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया, कमर्शियलाइज कल्टीवेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अरे भैया कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप मतलब क्या होता है? नगदी फसल के रूप में इसको परिवर्तित किया है। नगदी फसल किसको कहते हैं? अल्लाह, नगदी फसल किसको कहते हैं? जेटसॉन कहाँ है डंडा मेरा? क्यों इनकी बिक्री नहीं होती सर? कैश क्रॉप, एग्जांपल आपका कैश क्रॉप। ठीक है, टी कॉफी, ठीक है, ये सब क्या है? कैश क्रॉप, नगदी फसल। एक होता है खरीफ, धान, धान, गेहूं, ये सब क्या है? खरीफ। हाँ तो खरीफ, खरीफ फसल की पैसा अधिक कौन दे रहा है? कैश, क्यों नाम दिया कैश क्रॉप? नगदी फसल अधिक वैल्यू, डिमांड, अब डिमांड जिसका अधिक होगा, वैल्यू जिसका होगा, जिसके जिसमें हम अधिक पैसा कमा सकते हैं। जिस एक किलो चावल बेचो, एक किलो कॉफी बेचो, इसमें पैसा अधिक आएगा? या चाय बेचे उसमें आएगा, ठीक है, और डिमांड भी उसके अधिक है चाय की। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, टी की डिमांड अधिक भी है, कॉफी की डिमांड अधिक भी है। अब सर्दी का भी मौसम आ रहा है, बिना कॉफी पिए कोई रहेंगे नहीं, बहुत ठंडे, एक कप कॉफी पिला दो, साथ में पकौड़े हो जाए तो भी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो वही इसीलिए इसका नाम दिया कैश क्रॉप। ठीक है, ओपियम, ओपियम दहातीम, हाँ, तंबाकू, ठीक है, इसको कन्वर्ट किसमें क्या है? कैश क्रॉप में, नगदी फसल में, कॉमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइज कल्टीवेशन, समझे ना, कॉमर्शियलाइजेशन किया। अब देखो दूसरे कंपनी कौन है? दूसरे कंपनी बेटा कौन है? डच, डच, क्या है? डच कंपनी, ठीक है, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आज, ठीक है, हॉलैंड, डच पीपल कॉल्ड हॉलैंड। देखो अब डच के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। बिफोर 1581, फर्स्ट ईशन, बिफोर 1581, बिफोर 1581, डच वॉज ए कॉलोनी ऑफ स्पेन। बिफोर 1581, डच वॉज ए कॉलोनी ऑफ स्पेन, ओके, बट लेटर इट रिवेल्ड एंड बिकेम द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पेन। ओके, द डच वॉज ऑल्सो एन एक्सेलेंट सेलर, डच वॉज ऑल्सो एक्सेलेंट सेलर, ऑल दोज कंडीशन वर फेवर्ड फॉर द डच टू ट्रेड विद द इंडिया। समझे हो बात को? यानी बिफोर 1581 से पहले डच जो था वह स्पेन का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी, और लेकिन डच ने क्या किया कि एक विद्रोह किया, स्पेन के विरुद्ध विद्रोह किया, और ही बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। बिकॉज मैंने क्या कहा, ही वॉज ए गुड सेलर,
बहुत अच्छे नाविक ये लोग थे। कौन? डच। समझ में आ गया? डच पहले किसका इसका उपनिवेश था? 1581 से पहले डच किसका उपनिवेश था? स्पेन का उपनिवेश था। और उपनिवेश था और इन्होंने डच के विरुद्ध डच ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह करके क्या हुआ, स्वतंत्र बना। और डच भी क्या था, एक गुड सेलर, एक अच्छे नाविक थे। अब क्वेश्चन होता है कि स्पेन से कब अलग हुआ डच, कब हुआ? 1581 में स्वतंत्र बना। 1581 से पहले किसका कॉलोनी था? स्पेन का था। हो गया। अब देखो, अब इंडिया में एडवेंट की हम बात करते हैं, एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। द फर्स्ट डच ट्रेवलर मर्चेंट, ठीक है, जो आए थे उसका नाम था कॉर्नेलियस हॉटमैन। पहले समझ लो, वाज द फर्स्ट डच ट्रेवलर अराइव इंडिया इन 1596। वो क्या था? कोई कंपनी नहीं था, जैसे मैंने क्या कहा था, पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज ट्रेवलर कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अराइव इंडिया 1498। वो व्यापारी के रूप में आए, मर्चेंट थे, ठीक है। इन कंपनी स्टैब्लिश तो बाद में हुआ है ना। उसी प्रकार से एक थे कॉर्नेलियस हॉटमैन। देखो, कॉर्नेलियस हॉटमैन वाज द फर्स्ट डच ट्रेवलर ही अराइव्ड इंडिया। 1596 डायरेक्ट इंडिया नहीं हुआ, मलाया होते हुए, फ्रॉम द मलाया, मैं लिखा हूं ये मलाया होते हुए कहां पहुंचा है, मलाया होते हुए कहां पहुंचा है, इंडिया पहुंचा है। द फर्स्ट डच मर्चेंट कैम इंडिया फ्रॉम द मलाया, कॉर्नेलियस हॉटमैन, ठीक है। तो ये एज ए ट्रेवलर के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आए थे। लेकिन इसके बाद डच कंपनी की स्थापना होती है कहां पर, कहां पर होती है? डच में, भारत में नहीं। पोर्तुगीज कंपनी की स्थापना भारत में हुई है, लेकिन डच कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई है। इसके बाद क्या होता है कि डच कंपनी सेटअप एट डच इन 1602 कहां पर हुआ, डच में हुआ। पहले समझ लो, देन इन 1605 डच कंपनी डच फैक्ट्री अराइव्ड इंडिया। कंपनी स्टैब्लिश कब हुआ, अराइव इंडिया कब आया, ठीक है। इसके भी आने का इंडिया में कहां पर आया, मसूलीपट्टनम। बेटा मसूलीपट्टनम कहां पर है, मसूलीपट्टनम कहां पर है? यहां पर, कहां पर है? आचार्य एजुकेयर में, क्लासरूम में। हाँ हाँ, हमारे बोर्ड पर ही तो है, तमिलनाडु के आसपास। लॉक कर दिया जाए, उदिता बताएगी, अभी तो घूमने गई थी। हाँ, चुपचाप अकेले घूमने के लिए चली जाती है, किसी को बोलती भी नहीं है। गेटसन मसूलीपट्टनम, नाउ इज कॉल्ड मछलीपट्टनम, नागापट्टनम। समझ में आया? यहां पर उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप किया, ठीक है। आज देखो, अब कंपेयर करो, ब्रिटिशर्स जो आए, सॉरी पोर्तुगीज जो आए थे कहां पर, कालीकट,
वे ऑफ बंगाल यहाँ पर, हिंद ओशियन यहाँ पर इसलिए कैप्चर किया इन्होंने, ठीक है। ये कहाँ पर आया, मछलीपट्टनम यानी कि सॉरी बे ऑफ बंगाल में आया, ये अरबियन सी इधर आए थे, ये कहाँ पर आया, बे ऑफ बंगाल में आया, समझे ना। तो मछलीपट्टनम में इन्होंने अपने पहले कंपनी स्टार्ट लिस्ट किए, लेकिन उससे पहले समझो और एक मिनट समझ, डच कंपनी सेटअप 1602 एंड इन 1602 द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज नियर द बेंटम इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ने उसको पराजित किया है, इंडोनेशिया होते हुए भारत आया है, कौन, डच, लिख लो ये, इन 1602 द डच डिफीटेड पोर्तुगीज नियर बेंटम, बेंटम कहां पर है, कहां पर है, इंडोनेशिया में पराजित किया, एंड देन इंडिया, ये 1602 में डचों ने बेंटम इंडोनेशिया में पुर्तगाली को पराजित कर किया, उसके बाद 1605 ईस्वी में वह भारत आया, 1602 ईस्वी में इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया में बेंटम नामक स्थान पर, बेंटम वहीं पर आया होगा, पुर्तगालियों को पराजित किया। अब देखिए जब भारत आया तो भारत आने के लिए उसको बहुत सारे अधिकार मिले, डच वहां पर मिला दिया गया था, अब उसको मैं समझा देता हूं, मिटा दे, देखो जब डच भारत आए थे तो उसको बहुत सारे राइट्स मिला, बहुत सारे अधिकार मिला, डच कंपनी वाज ग्रांटेड द राइट, क्या क्या राइट्स, राइट्स क्या क्या था, कौन कौन सा अधिकार, ग्रांटेड द राइट्स ऑफ टू कैरी द ट्रेड, उद्देश्य क्या था, क्या करने के लिए भारत, टू राइट द कैरी ऑफ ट्रेड, बाद में हिंदी दिखा दूंगा, द कैरी ऑफ ट्रेड, सेकेंड पॉइंट एक्वायर्ड टेरिटरीज, थर्ड कंक्लूड ट्रीटी, झगड़ा भी हो सकता है ना, व्यापार करेंगे तो एरिया भी चाहिए, एरिया चाहिए तो लड़ाई भी हो सकता है, इसलिए क्या है, कंक्लूड ट्रीटीज, एंड फोर्थ 45 places, किलेबंदी करना, 45 places, ठीक है। लिखो भारत में डचों को निम्नलिखित अधिकार मिले, पहला व्यापार, टू कैरी द ट्रेड, व्यापार करना, दूसरा हिंदी बोल गया, क्षेत्र, टेरिटरीज मतलब क्षेत्र हो गया, क्षेत्र पर अधिकार, हाँ टेरिटरीज मतलब वही होता है, टेरिटरीज मतलब क्षेत्र एरिया, एंड तीसरा संधि एवं समझौते, और चौथा किलेबंदी, संधि एवं समझौते करना, झगड़ा नहीं होगा, आप किसी एरिया पर एक्वायर करोगे तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा तो संधि समझौता नहीं करोगे कि मारपीट करते रहोगे हमेशा, आप 45 places यानी किलेबंदी, क्या क्या डाउट है ओम जी, क्या
नहीं बोलते इंडियन टेरिटरी, क्या बोलते भारतीय राज्य क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं? टेरिटरी बोलते राज्य क्षेत्र नहीं होता है, क्या होता है? तो फोर्टी फाइव प्लेसेस किलेबंदी करना, किलेबंदी होगा ये करने के लिए भारत आया था। और पाली पाली डच कंपनी स्थापित कहाँ हुई? डच में। उद्देश्य क्या था भारत में? एम एम क्या था भारत में? मेन एम क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य करना। देखो एक बात जान लें कि पोर्तुगीज भी ट्रेडर्स था, ये भी ट्रेडर्स थे। द डच पेड मोर अटेंशन टू ट्रेड इन इंडिया, नाइदर टूक इंटरेस्ट नोर इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये बात ये भी जाने, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। द डच पेड द मोर अटेंशन ओनली ऑन ट्रेड इन इंडिया, नाइदर टूक इंटरेस्ट नोर इंटरफेयर नॉट इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, डचों ने अब भारत में व्यापार पर ही ध्यान दिया, भारत के राजनीति में कभी भी उतना उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, ना उसकी कोई रुचि थी। लेकिन द डच पेड द मोर अटेंशन टू ट्रेड इन इंडिया, नाइदर टूक इंटरेस्ट नॉर इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। भारत में डचों के का उद्देश्य सिर्फ व्यापार था, उन्हें व्यापार पर ध्यान दिया। उन्होंने डचों ने कभी भी भारत के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, ना कोई भारत के राजनीति में उसे रुचियां थी। ठीक है, ना उसके क्या थे? रुचियां थी, ना इंटरेस्ट था। इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में? सिर्फ व्यापार। इसलिए मैंने लिखा मोर अटेंशन पेड ओनली ऑन ट्रेड। अब देखो कंपनी आया, कंपनी स्टैब्लिश, फैक्ट्री स्टैब्लिश भी हो गया। अब देखो इन 1610, अब चलते चलो आगे बढ़ो। इन 1610 पहले इंग्लिश में लिखो, 1610 पोर्तुगीज सॉरी डच फैक्ट्री सेटअप पोलीकट, सेटअप पोलीकट, सेटअप पोलीकट आफ्टर सीकिंग परमिशन, आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी तमिलनाडु। ओके, आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी एंड फोर्टिफाइड came to be known as Fort Galderia। क्या नाम रखा इसका? फोर्ट, इस किले का नाम क्या रखा? फोर्ट गैल्डेरिया, फोर्ट गैल्डेरिया। उसके बाद लिखा, इसके बाद लिखे नेक्स्ट पॉइंट इन 1620, नेक्स्ट पॉइंट इन 1620 डच फैक्ट्री सेटअप एट, डच फैक्ट्री सेटअप एट बॉम्बे, डच फैक्ट्री सेटअप एट बॉम्बे अहमदाबाद बुरहानपुर एंड भरोच। इन बंगाल, देखो कंपनी फैल गया, फैलते जा रहा है कंपनी। इन बंगाल पिपली, बंगाल में कहां पर? पिपली में डच कंपनी बन गया। ठीक है, इन 1639 गोवा, इन 1639 गोवा एंड 1641 एनेक्स्ट मलक्का, एंड 1641 एनेक्स्ट मलक्का। ओके, मलक्का
annexed Malacca. In 1641, annexed Malacca. Next point, in 1658, the Dutch took control of Sri Lanka. देखते हो पहुंच गया यहां श्रीलंका. कंट्रोल ऑफ श्रीलंका बाय एंडिंग पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस. उसके बाद एक नेक्स्ट, इन 1659 नागापट्टनम ऑन द तंजौर. 1659 नागापट्टनम ऑन द तंजौर कोस्ट एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्तुगीज. हो गया. हिंदी में लिखना है लिख लो. 1610 ईस्वी में पुलिकट में चंद्रगिरी के राजा से अनुमति लेकर डच फैक्ट्री की स्थापना हुई. और वहीं पर फोर्ट गैलडेरिया नामक किले का निर्माण किया. देखो ये लिख दिया हूं, किले का नाम क्या है, गैलडेरिया. फोर्ट मतलब किले, गैलडेरिया नामक किले का निर्माण किया. देन उसके बाद लिखना, हो गया, इन 1620 डचों ने अपनी फैक्ट्री बॉम्बे, कहां कहां पर, बॉम्बे, अहमदाबाद, भरूच, बुरहानपुर में स्थापित किया. और बंगाल में पिपली, बुरहानपुर एवं बंगाल में पिपली. सोलह सौ उनचालीस में गोवा में 1641 मलक्का, 1658 में श्रीलंका, पुर्तगालियों को पराजित कर श्रीलंका में, 1659 में पुर्तगालियों से छीनकर नागापट्टनम, 59 नागापट्टनम तंजौर में. ठीक है, डच ने बंगाल में भी अपना एक किला बनाया था. डच बिल्ट ए फोर्ट, गुस्तावस. फोर्ट का नाम क्या था यहां पर जो बनाया था, गुस्तावस नामक किला का निर्माण कहां पर, बंगाल के चिनसूरा में किया. हाँ, देखो, डचों का अंग्रेजों के साथ यूरोप में युद्ध हो रहा था. यूरोप में डच और इंग्लिश की युद्ध होती थी, हो रही थी. ठीक है, डच और भारत में फ्रेंच और डच
भारत में भी, भारत में फ्रेंच एंड डच के बीच युद्ध हुआ, स्ट्रगल इंडिया यूरोप सब जगह हुआ था। हुआ क्या, एक संधि होती है रिजविक, यूरोप में एक रिजविक की संधि होती है, यूरोप की बात है तो यहाँ आप लोग छोड़ सकते हो उसको, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भारत में जो भारत से ही मेनली एक्सपोर्ट किया, आप कहते हैं भारत से व्यापार क्या किया, व्यापार करने तो आए थे, तो डच मेनली मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, भारत से मेनली इन्होंने व्यापार क्या किया था, थ्री गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तीन वस्तुएं मेनली ट्रेड किया, एक्सपोर्ट किया भारत से, क्या क्या, हाँ क्या क्या, टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र, कॉटन सूती वस्त्र, दूसरा इंडिगो नील, जिसको हम लोग कहते हैं नील, समझते हो ना, उजाला चार बूंदों वाला, ठीक है, और तीसरा साल्ट पीटर, साल्ट पीटर इन्होंने क्या था, जिसको हिंदी में कहते हैं सोडा, बम बनाने में, बारूद बनाने में काम आता है। लिख लीजिए, तीन वस्तुओं भारत से इन्होंने मेले एक्सपोर्ट किया था, टेक्सटाइल, कॉटन सिल्क, कॉटन सिल्क ये सब, दूसरा निंडिगो नील, और तीसरा साल्ट पीटर यानी सोरा किया था। हो गया, तो भारत में मैंने क्या कहा था, मैंने अभी कहा कि डच जो थे, डच द पेड द मोर अटेंशन टू ट्रेड इन इंडिया, नाइदर टूक इंटरेस्ट नॉर इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स, न इंटरेस्ट था न इंटरफेयर किया। अब एक युद्ध होता है ब्रिटिशर्स के साथ, इसका इसका नाम है बेटल ऑफ बेदारा, बेदारा का युद्ध 1759, डच एंड इंग्लिश, किसके बीच हुआ, डच इंग्लिश में, जिसमें डचों की हार होती है, पराजय होती है, लॉस्ट पावर, बेटल ऑफ बेदारा। ऐसे युद्ध के बाद आफ्टर दिस बेटल डच का क्या होता है, ट्रेडिंग डिक्लाइन फ्रॉम इंडिया, भारत में है लेकिन भारत से व्यापारिक गतिविधि का पतन हो गया, व्यापारिक पतन हो गया डचों का। अब देखो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बेदारा का युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, बेदारा के युद्ध के पीछे कारण क्या था, मीर जाफर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल जब पढ़ेंगे, याद है ना, जब वो पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ध्यान रखना, तब बताऊंगा किस प्रकार से मीर जाफर भाग करके डचों के पास गया है, इस युद्ध के पीछे मीर जाफर है, और जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच यहां पर युद्ध होती है, जिसमें डचों की हार होती है और डचों का पलायन हो जाता है, व्यापारिक पतन भारत से हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन यही कारण नहीं, और कारण है, लिख लो आप लोग, मैं हेडिंग डालो, हेडिंग रीजन फॉर द डिक्लाइन, भारत में डचों के पतन के कारण, ले लीजिए एक्सप्लेनेशन, रीजन फॉर डिक्लाइन, ठीक है, किसके रीजन का डिक्लाइन का, ठीक है, रीजन फॉर डिक्लाइन डच, रीजन फॉर डिक्लाइन डच, फर्स्ट पॉइंट राइज द इंग्लिश नेवल पावर, फर्स्ट पॉइंट राइज द इंग्लिश नेवल पावर अगेंस्ट द डच, राइज द इंग्लिश नेवल पावर अगेंस्ट द डच, ओके। सेकेंड द डच ऑथोरिटी वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, द डच ऑथोरिटी वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ओके। थर्ड देर वॉज नो हेडक्वार्टर इन इंडिया, देर वॉज नो हेडक्वार्टर इन इंडिया, एवरी मैटर वॉज कंट्रोल फ्रॉम बेटाविया इंडोनेशिया, इसका हेडक्वार्टर बेटाविया में था, इंडोनेशिया में, बेटाविया
बटाविया इंडोनेशिया. थर्ड द डच ऑफिसर ऑफ द कंपनी यानी डच ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बिकेम करप्ट. समझ में आया कारण हिंदी में लिख लीजिए आप लोग. देखिए डच के विरुद्ध, डच के विरुद्ध अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति, अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति काफी मजबूत थी. अंग्रेजों की नौसेना शक्ति काफी मजबूत थी. सेकेंड पॉइंट डच अधिकारी काफी केंद्रीकृत, अधिक केंद्रीकृत थे, अत्यधिक केंद्रीकृत थे. सेंट्रलाइज, एक सारा पावर अपने पास रख लेना. सेंट्रलाइज मतलब होता है केंद्रीकृत हो जाना है सारा पावर एक पावर. डिसेंट्रलाइज मतलब होता है पावर का जहां पर क्या होता है बंटवारा होता है. हो गया. तीसरा, भारत में डचों का मुख्यालय नहीं था. वह सभी बातों के लिए बिटाविया हिंदी इंग्लिश में नाम है. बिटाविया कहां पर है? इंडोनेशिया. बिटाविया इंडोनेशिया पर निर्भर थे. सारा कंट्रोल वहां से होता था. यानी डचों के सारी नीतियों का निर्धारण बिटाविया से इंडोनेशिया से होता था. ठीक है, वहां पर निर्भर होते थे. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डच कंपनी के अधिकारी लोग काफी भ्रष्ट थे, करप्ट थे. हो गया, काफी भ्रष्ट थे. ओके, अब तीसरा कंपनी कौन है? इंग्लिश. तीसरा कौन है? इंग्लिश. ठीक है, आप इसको भूख लग गया. क्या बोली थी कुछ हमारी मुंडी पेट में चली जाती है. अब तो ये, अब दो शब्दों में सिखाई यहाँ के क्लास में, इस बैच में. एक भसर, ठीक है, एक क्या सिखा मैंने? भसर, एक मुंडी पेट. ये भूख लगने पर मुंडी पेट में जाती है. ठीक है. हाँ, कोई बात नहीं. ठीक है, भसर होने दो. भसर मैंने वही सीखा, भसर हो रहा है मैंने. ठीक है, और भूख लगने पर मुंडी पेट में जाती है. अब मैं सोचता हूँ कैसे भूख लगता है यहाँ, मुंडी है यहाँ, पेट में तो चूहे कूदते हैं. करके देखो तो पूरा मुंडी लगा के यहाँ पर करो, करके देखो होता है. तुम्हारी भी मुंडी जाती है पेट में? नहीं. नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप 3:30 से तो सेकेंड क्लास है ना. तीन मुझे ही लेना है इस लोगों का, मेरा ही लगता है. अब वो बता दूंगा मैं, मैसेज आ जाएगा. आए होगा तो मैं खुद मैसेज डालूंगा, और नहीं होगा तो अपना हाथ. जय जगन्नाथ. कोई छुट्टी नहीं है, मेरा कोई छुट्टी नहीं है. आपका क्लास, आपका कहीं भी क्लास से मतलब है ना, क्लास में ऑनलाइन में क्लास की तरह ही लेता हूं मैं. बोर्ड में पढ़ा पढ़ा के लेता हूं कि नहीं? अरे दशहरा नहीं है, संडे मंडे ट्यूजडे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े? इंग्लिश.
ठीक है ना, इंग्लिश को हम लोग पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कंपनी यानी क्या कहते हैं, फ्रेंच, वहां पर युद्ध होगा, फ्रेंच की हार होगी, भारत का डिक्लाइन होगा। आइए सर, वेलकम।